कपड़े सुखाने का हमारा निंजा टेक्निक देख लो आप लोग, पूरे सारे बेडशीट से लेके कपड़े सारे इधर सूख रहे हैं। 7 बजने वाले हैं पूरे दिन में, आज हमने मिलके बस मैं और मजू ने पूरे रूम साफ किया। रूम साफ करने के बाद सारे कपड़े धुल गए हैं, अब टाइम है बाहर निकलने का। तो मैं अभी चल रहा हूँ पार्क में थोड़ा घूम लेते। तो कैसे हो आप सब भाई, होप आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। मैं बढ़िया हूँ, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। मास्क ले लेता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। पीछे हमारे मजू जी भी है, अभी चल रहे हैं, यही पार्क है। मैंने बहुत टाइम से ये कोशिश किया ना, एक चीज़ दिखाते हैं जिसको देखने का ना बहुत टाइम से इच्छा थी, बट अभी तक देख नहीं पाया वो चीज़। नोएडा वासियों के मनोरंजन के लिए इस लेजर लाइट और साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है।
आए थे वो आज देख लिए, कितने टाइम से हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे यार। मुझे नहीं पता था कि ये 7:30 बजे भी शुरू होता है, ये मुझे इतना आइडिया था कि ये 6:30 बजे शुरू होता है, क्योंकि जब मैं ऑफिस से आता था तो 7 बजे, जब जैसे मैं 7 बजे तक यहाँ पहुँचता था ये बंद हो जाती थी। बट लकली हम लोग निकल रहे थे बाहर, फिर मुझे को बोला यार चल नहीं पीछे से घूम के चलते हैं, हम लोग आगे से निकल रहे थे, बट जैसे यहाँ पहुँचा ये शुरू हो गया। थैंक गॉड, लकी अपन आज लकी है, तो ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ मांगू आज भगवान दे देंगे मुझे। थैंक यू। ये जो चीज़ है ना नोएडा में है, नोएडा गेट जो है ना, दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर, ये हमारे जस्ट ये देख लो आप पीछे, यहाँ पे जैसे आप लोग आप थोड़ी दूर मतलब 100 मीटर भी आगे आओगे ना वहीं पे ओपन पार्क है एक, वहीं पे होती है। बट जो होता है ना ये आई थिंक इंडिया में और कहीं एक अक्षरधाम भी होता है, बट वहाँ पैसे लगते हैं, बट ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन पार्क में है। तो कभी अगर फुर्सत मिले जो नोएडा दिल्ली में रहते हैं ना, आओ देखो पूरा यूपी के बारे में हर चीज़, मतलब हिस्ट्री अगर जानना हो शॉर्ट में 20 मिनट में अगर कुछ जाना हो ना हिस्ट्री यूपी का, तो यहाँ आकर देख लो एक बार। और मज़ा ना, पैसे वसूल तो नहीं बोल सकते क्योंकि फ्री है, अगर मज़ा ना आए ना तो फिर आप लोग कमेंट करके मुझे जो बोलना हो बोल सकते हो। नोएडा का गौतम बुद्ध नगर, इसलिए ये देखो नोएडा, अरे बुद्ध भगवान की ये स्टैचू ऐसे बनी पड़ी है, क्या मस्त लग रहा ना सीने, मतलब इतना पैदल चल लिया आज ना, बहुत दिन बाद इतना पैदल हम चले होंगे। वैसे आए तो बाइक से ही, बाइक उधर लगा दिया था, बट उधर से भी लगभग एक किलोमीटर हमने पैदल चल लिया, तो पूरा एकदम शरीर पे पसीना पसीना हो गया। अब हम यहाँ से निकलते हैं गुप्ता जी के रूम पे, वहीं आज डिनर का प्लान है। मैंने रूम पे भाभी को कॉल करके मना कर दिया कि आज आपको आने की जरूरत नहीं, हम गुप्ता जी के पास जा रहे हैं, वहीं पे डिनर होगी, वहीं से रात में एक बस खाना खाएंगे, उसके बाद से फिर आ जाएंगे वापस अपने रूम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अपन आ गए रूम, और रात के अभी बज रहे हैं 11:25, हम गुप्ता के रूम पर गए, गुप्ता के रूम पे खाना खाया, खाना खाने के बाद हम सब यहाँ के, गुप्ता भी आया हुआ है, तो बस अब प्लान है थोड़े बहुत मस्ती करेंगे, एक मूवी देखेंगे शेरशाह हमने नहीं देखा है, भुज देख लिया, जो लोग भुज अभी तक नहीं देखे हो यार मतलब मस्ट वॉच, एक बार तो आप लोग देख ही सकते हो। सो इस ब्लॉग को करते हैं पे कंप्लीट, आई होप ये वाली वीडियो अच्छी लगी, खासकर ये हमारी जो वाटर और लेजर के साथ जो भी एक मस्त सा वो नज़ारा है ना, वो शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। करते हैं पे कंप्लीट, आई होप ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अगर ये वीडियो आप लोग फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। इतने सारे रिक्वेस्ट कर दिए, जहाँ मन हो वहाँ आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो कल सुबह 9 बजे तक आएगी, उस समय सो हैप्पी इंडिपेंडेंट डे ऑल ऑफ यू, दिल से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई आप सबको, आपके पूरे परिवार को। सो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए जय हिंद, अपना पूरा ख्याल रखें, घर से दूर रहो तो घर वालों से बातें करते रहें, और घर पे हैं तो घर वालों की हेल्प करें, बस सेफ रहें सुरक्षित रहें, सी यू।